नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 और 18 मई की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी, उनकी क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। 17 मई की बात करें तो दोस्तों ये दिन सोमवार का दिन होगा। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और पुनर्वसु नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो गंड नाम के योग के बाद इस दिन वृद्धि नामक भी योग रहने वाले हैं और राहु काल का समय दिन सुबह के 7:27 से लेकर सुबह के 9:06 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप राहु काल के समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और दोस्तों चंद्रमा दिन मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों 18 मई की बात करें तो दोस्तों दिन मंगलवार का दिन होगा, हनुमान जी का दिन होगा, बहुत ही लाभकारी दिन है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि भी रहेगी और पुष्य नाम का जो नक्षत्र होगा बहुत ही लाभकारी होंगे। ध्रुव नाम का भी योग रहने वाले हैं और अशुभ समय दिन शाम के 3:41 से लेकर शाम के 5:19 रहेगा और चंद्रमा दिन कर्क राशि पर ही संचार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि के लिए क्या क्या भाग्यशाली स्थितियाँ लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में घर परिवार में आपसी विचारधारा एक दूसरे से अच्छा हो सकता है। हर क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य मधुर होने से घर परिवार का यश में विकास हो सकता है। वही दोस्तों इन दिनों में घर की स्थिति अच्छी होंगी, सगे संबंधियों के साथ रिलेशन जो है आपका यश में अच्छा बनता जाएगा। दोस्तों इन दिनों में कामकाज के क्षेत्रों में सभी आपके जो है सहयोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव की लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, समय और परिस्थिति को आपको देखते हुए चलना होगा। दोस्तों इन दिनों में एक दूसरे की जो है सहयोग की भावना आपको रखनी चाहिए। घरेलू विवाद न उत्पन्न हो इसके लिए आपको इन दिनों में जो है भरपूर प्रयास करने चाहिए। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे आप यह कर सकते हैं, आप प्रयास करें, आपके अंदर यह क्षमता जो है पाई जाती है। व्यापार में चुनौतियों का आपको सामना भी करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे कुछ नई तरह की जिम्मेदारियों वाला समय होगा। कुछ ऐसे काम जो है आपको यश में करने पड़ सकते हैं जिनमें आपने अभी तक जो है अपना हाथ भी नहीं आजमाया था। दोस्तों ये आपको थोड़ा तनाव और जो है परेशानी दे सकता है। नए लोगों से यश में जो है आपके मुलाकात के आसार हैं जिनके साथ नए रिश्तों का आरंभ भी होगा। यदि किसी प्रकार का निर्णय लेने की आप यह समय सोच रहे हैं तो दोस्तों ये समय आपके लिए उचित समय होगा। आप यश में निर्णय ले सकते हैं, आपको अपने कम्फर्ट जोन से यश में बाहर कदम उठाना चाहिए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे करियर के मामले में, दफ्तर में आप जो है काम पर दबाव अधिक महसूस करेंगे। दोस्तों इन दिनों में जो है आपके अधिकारियों का जिम्मेदारी ज़्यादा रह सकती है, आपकी स्थिति भी रहेगी, कार्य क्षेत्र में कामकाज की अधिकता रहेगी और भागदौड़ अधिक रहेगी। दोस्तों इन दिनों में जिससे आपको शारीरिक और जो है मानसिक थकान हो सकता है, आप इन थकानों को अनुभव यश में करेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में ये जो आपके लिए दिन होंगे, अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपकी रोमांटिक लाइफ यश में जो है काफ़ी सुकून देने वाली रह सकती है। आपकी सोच में एक पॉजिटिविटी रहेगी जिसे आप अपने पार्टनर का प्रभाव भी समझ सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ जो है किसी शॉर्ट ट्रिप पर भी आप यश में जा सकते हैं। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आप जो है अपने परिजन के साथ समय गुजार सकते हैं या फिर समय गुजारने का यश में जो है आपको मौका मिलेगा। कुछ मामलों में यश में आपकी बहस हो सकती है, आप इन बातों का ध्यान रखें। बहस करने से पहले दोस्तों आप यह बातों को ध्यान रखें कि हमें अपने वाणी पर जो है संयम रखना चाहिए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है हेल्थ को लेकर बात करें तो मानसिक तनाव के कारण आप यश में परेशान रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑफिस का काम आपके ऊपर इन दिनों ज़्यादा ही रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जो है आवश्यकता होगी।
दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, गणेश जी कहते हैं कि यह समय दूर के धार्मिक स्थानों पर मुलाकात लेने के लिए अनुकूल दिन होगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए जाने का जो है आप आयोजन करें। माता पिता को यात्रा कराकर उनका आशीर्वाद लेंगे। आप जो है यह समय जो आपके लिए दिन होंगे, इन दिनों में दौड़ धूप में व्यतीत होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे आपके लिए गणेश जी के अनुसार आप जो है अत्यधिक निर्णायक और आत्मविश्वासी रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपकी ये जो क्वालिटी है आपके काम की गति को बढ़ाने और आपको अधिक कुशल बनाने में मददगार होगा। आप पहले से ही चीज़ों का जो है न्याय करने में सक्षम होंगे, जो आपको ऑफिस के रूटीन कामकाज तेजी से पूरा करने में मदद करेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो इन दिनों में पारिवारिक जीवन से संबंधित जो है मामले आपके लिए जो है अधिक प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आपके प्यार को जो है ऐसा लग सकता है कि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने में जो है असमर्थ हैं। दोस्तों इन दिनों में इस बात का आप जो है असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगा, तो खास इन बातों का आप ध्यान रखें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, यदि आपने अभी तक शेयर बाज़ार में निवेश नहीं किया है तो दोस्तों ये जो समय होंगे इस दिशा में कदम बढ़ाने के सही दिन होंगे। भाग्य आपके पक्ष में है, ऐसे में ये जो समय होंगे आप अपना जो है बैंक बैलेंस बढ़ाने में आप जो है सक्षम रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से संभालने में भी आप सक्षम होंगे। आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है यह समय हाई लेवल पर रहेगी। ऐसे में दोस्तों आपको खुद को जो है अच्छे मूड में रखना चाहिए। आप जो है कुछ आयोजन बनाने के इच्छुक होंगे। दोस्तों इन दिनों में गणेश जी कहते हैं कि ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके अपने जो है दिनचर्या की योजना बनाने के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये समय आप अपने दिनचर्या की योजना बनाएं और अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ते रहें। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आप में जो है चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य जो है समय पूरी तरह से आपका साथ भी देगा। दोस्तों इन दिनों में नया आर्थिक करार जो है अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। शाम के समय जो आपके लिए समय होंगे अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या फिर फिल्म देखना आपको सुकून देगा। और दोस्तों ये जो समय होंगे खुश मिजाज आपको बनाए रखेगा। रोमांस के लिए जो दिन होंगे इन सभी दिनों में आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। आप जो है दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को यह समय कुछ ज़्यादा ही ऊँचा तय कर सकते हैं। अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो दोस्तों आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जिनकी तरफ जो है तुरंत गौर करने की आवश्यकता है। दोस्तों इन दिनों में जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लें, इससे दोस्तों आपकी स्थिति में जो है विवाद हो सकता है। दोस्तों ये जो दिन होंगे आपके लिए, रात को आप दूध पानी व चीनी को जो है सिरहाने रखकर सुबह किसी वृक्ष में डाल दें। इससे दोस्तों आपके बिजनेस और नौकरी में जो भी रुकावटें आ रही है उनमें रुकावटें खत्म होंगी और आपको बिजनेस और नौकरी में यश में फायदा होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको लग रहा है किसी ने आपके ऊपर नज़रदोष कर दिया है या फिर आप नज़रदोष से प्रभावित हैं, तो दोस्तों यश में आपको ये उपाय को करना चाहिए। आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसके लिए आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी के कंधे पर लगा सिंदूर का तिलक करें। दोस्तों अगर नज़रदोष से प्रभावित व्यक्ति मंदिर में नहीं जा पाता है तो कोई भी व्यक्ति हनुमान जी के कंधे पर लगा सिंदूर लाकर उन व्यक्ति को लगा दें। दोस्तों इससे भी लाभ मिलता है, आप ये उपाय को भी कर सकते हैं। और शादी दोस्तों और इसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।